गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल। और इसके अंदर हम पार्ट 8 के अंदर आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए और अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके एक्सरसाइज को आपका रिविजन भी हो जाए और आप एक्सरसाइज को होमवर्क की नोटबुक में लिख भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट दिया हुआ है आपको और उसमें आपको क्यूब ढूंढने के लिए बोला हुआ है। क्यूब है 99 का, आपको क्यूब फाइंड करना है। तो मैं 99 को 100-1 के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो 100-1 रेस टू क्यूब हो जाएगा, जिसमें हम a माइनस बी क्यूब का फॉर्म लगा सकते हैं और a की वैल्यू बनेगी 100, b की वैल्यू बनेगी 1। तो चलिए फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख लेते हैं। 100 raised to 3 माइनस 3 100 स्क्वायर 1 प्लस 3 100 1 raised to 2 माइनस 1 raised to 3। यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए जहां जहां पे b की पावर 1 होगी वहां पे आगे क्या लगेगा, माइनस। b की पावर 3 ओड नंबर आ रहा है, माइनस। अब 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां 2 है तो 2 को 2-3 बार रिपीट करना है आपको। क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही वीडियो की तो आप सेटिंग गियर वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पे आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा और वहां से आप 1080 पिक्सल सिलेक्ट कर लीजिए, आपको हाई डेफिनेशन क्लैरिफाइड वीडियो मिल जाएंगे तो आपको देखने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। यहां पे 3 है, 10,000 हो गया प्लस 300 माइनस 1, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 30,000 प्लस 300 माइनस 1। पहले हम एडिशन वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं। माइनस इनका एडिशन कर लीजिए, 1000 300 माइनस 1, 2, 3। कैलसी का यूज कीजिए या आप बाजू में माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी माइनस करना तो आपको आता होगा, इतना हम सोच के चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से इसको माइनस कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए 102 का क्यूब करना है, जिसमें 100 प्लस 2 को फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, और इसका क्यूब करना है जिसमें a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2 बन जाएगी। प्लस है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रख लेते हैं 100 का क्यूब प्लस 3 100 स्क्वायर b 2 प्लस 3 100 2 raised to 2 प्लस 2 raised to 3। ओके, 100 का क्यूब होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 लग जाएंगे। 100 का स्क्वायर 10,000, 3 2 6, 6,000 हो जाएगा ये, प्लस 2 2 4, 3 12, 2 0 लग जाएंगे, 2 raised to 3 इज इक्वल टू 8। ऐड कर लेते हैं, 1, 2, 0, 8। ज्यादा आपको डायरेक्ट नहीं करना है, जीरो का मामला है, कोई एक दो नंबर्स आगे पीछे हो जाएंगे तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। और वैसे भी ये इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्लस और माइनस में। करेक्ट कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3, 4 ओके करेक्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 7 ओके करेक्ट है। तो आपको आंसर होगा 1100728। कॉमा लगा दीजिए आप, नंबर बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमा लगाया है, आप चाहो तो नेशनल सिस्टम भी यूज कर सकते हो।
ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं। देखिए 998 का क्यूब निकालना है आपको, तो मैंने इसको 10,000 के फॉर्म में इसको लिख दिया है मैंने, 1000 माइनस 2 रेस टू क्यूब इज इक्वल टू, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ए की वैल्यू 1000 हो जाएगी और बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैं इसमें सिर्फ वैल्यू रखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वीडियो की लेंथ बड़ी हो, तो मैं लास्ट एंड तक कैलकुलेशन लेके आऊंगा, फिर आपको इसको माइनस और प्लस कर देना है। 1000 का क्यूब माइनस 3000 का स्क्वायर प्लस 3000 टू रेस टू स्क्वायर प्लस 2 रेस टू क्यूब। अब देखो आप 1000 का क्यूब करोगे तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, फिलहाल मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस 3 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 प्लस 3 2 2 4 सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस 2 रेस टू 2 4 3 12 इंटू 1000 प्लस 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 3 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 12000। यहाँ पे b माइनस में था इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो पहले आप प्लस वाला पोर्शन कवर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 0 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 8। पहले आप इनका प्लस कर लीजिए, फिर इनका प्लस करके यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा x और यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा y। आप इन दोनों का क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे जो मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा उसके अंदर। बिल्कुल ये क्वेश्चंस है वो फोर्थ 4 टर्म्स से बने हुए हैं और इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो ये देखो देखने में बिल्कुल इस तरीके से लग रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b देखो प्लस 3 a b² बिल्कुल इसकी तरह लग रहे हैं। तो क्या कर लेना है आपको, यहां से इसको a निकाल लेना है और यहां से आपको b निकाल लेना है, ठीक है। फिर टर्म के हिसाब से अगर यहां पे देखो अगर ये टर्म देखो मैंने यहां पे ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये सेकंड टर्म दिया हुआ है, अगर टर्म वन के आगे माइनस की साइन लग रही है तो बी को माइनस लगाना है और टर्म टू के आगे माइनस की साइन लगे आपको, टर्म टू के आगे माइनस की साइन लगे तो आपको ए को माइनस देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे तो फिलहाल कोई माइनस की साइन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। तो देखो आपको 8 है तो 8 का क्यूब रूट निकालो, क्या मिलेगा 2a मिलेगा और b का क्यूब रूट क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा, बीच में प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। टर्म वन के आगे माइनस की साइन तो b माइनस, टर्म टू के आगे माइनस की साइन तो a माइनस। यहां पे देखो टर्म वन के आगे माइनस की साइन आ रही है इसलिए b क्या होगा, माइनस होगा, तो यहां से आप क्या निकाल लो 2a और यहां से क्या निकल जाएगा b। टर्म वन ये देखो वन टर्म और सेकंड टर्म, टर्म वन के आगे माइनस है, टर्म वन के आगे माइनस है तो b के आगे क्या लगाना है आपको, माइनस लगाना है, तो b के आगे माइनस लगा दिया और ये पावर क्या हो जाएगा, क्यूब।
फिलहाल ये सही तरीका नहीं है, मगर आप शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम पार्ट एट को फिनिश करते हैं, और आई होप सो मैंने आपको पॉलिनोमियल पूरा कवर करवाया है। इसके अलावा बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और इतना भी कर लिया तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। आपको एक बार एलजेब्रा के सारे फॉर्मूलेस देख लेने हैं, और सारे क्वेश्चंस को एक बार 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 रिविजन करोगे तो आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में जब भी आपकी ऐसे होती है, एफ ए होती है, तो आप क्या करो कि इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, ताकि आपका फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहिए, ताकि आपकी सारी मेथड्स हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए। और कुछ आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, तो हम आपको वही वीडियो काफ़ी स्लो स्पीड में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को थम्सअप कीजिए, ताकि चैनल्स के व्यूज़ बढ़ें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर हम ह्यूरेंस फॉर्मूला आपको कवर करवाएंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन।